कलर्स टीवी पर कुछ महीने पहले ही प्रसारित हुआ सीरियल सुहागन तो आप सभी देख ही रहे होंगे, जिसमें अभिनेत्री अंशुला धवन पायल के किरदार में नजर आ रही हैं, जहां सीरियल में ये अपनी एक्टिंग, अदाकारी और अपनी खूबसूरती से हर किसी को दीवाना बना रही हैं। वहीं सीरियल में जिस तरह से ये अपने किरदार को खूबसूरती से पर्दे पर पेश कर रही हैं, उसे देखने के बाद तो दर्शक इनकी तारीफ करते हुए थकते नहीं हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अभिनेत्री अंशुला धवन सुहागन सीरियल में पायल के रोल के लिए मेकर्स की पहली पसंद नहीं थी, बल्कि इनसे पहले इंडस्ट्री के कई अभिनेत्रियों को पायल के रोल के लिए कास्ट किया गया, पर वो अभिनेत्रियां किसी न किसी वजह से रिजेक्ट हो गई। पर आखिरकार वो कौन सी अभिनेत्रियां हैं, चलिए जानते हैं आज की हमारी इस वीडियो के जरिए। नंबर 1, सुरभि दास। सुहागन सीरियल में पायल के रोल के लिए अंशुला धवन से पहले मेकर्स ने पहले अभिनेत्री सुरभि दास को ही कास्ट किया था, पर जब इन्हें सीरियल की स्टोरी पता चली तो इन्हें सीरियल की स्टोरी कुछ खास पसंद नहीं आई, जिसके चलते इन्होंने इस सीरियल में काम करने के लिए मेकर्स के सामने नखरे दिखाने लगी और मेकर्स को इनके नखरों से समझ आ गया और इन्हें बिना कुछ कहे सीरियल से बाहर का रास्ता दिखा दिया। नंबर 2, अविका गौर। इंडस्ट्री की खूबसूरत अभिनेत्री अविका गौर को भी पायल के रोल के लिए कास्ट किया गया, पर इन्होंने इस सीरियल में काम करने के लिए हाई फीस की डिमांड की, जो कि मेकर्स को बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। इसी वजह से मेकर्स ने अविका गौर को सीरियल से आउट कर दिया। नंबर 3, रिया शर्मा। पिंजरा खूबसूरती का सीरियल में काम करके मशहूर हो चुकी अभिनेत्री रिया शर्मा को सुहागन सीरियल में पायल का रोल निभाने का मौका मिला था, पर इन्हें सीरियल में काम करने के लिए ज्यादा टाइम देना पड़ता क्योंकि ये लीड एक्ट्रेस थी, पर इन्होंने मेकर्स से कहा कि ये सीरियल में कम टाइम दे पाएगी, पर मेकर्स ने कहा कि इन्हें सीरियल में पूरा टाइम देना पड़ेगा, जो कि इन्हें बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। तभी तो मेकर्स ने इन्हें डायरेक्ट सीरियल से बाहर का रास्ता दिखा दिया। नंबर 4, ध्वनि गौरी। मैं हूँ अपराजिता जैसे कई हिट सीरियल देने वाली अभिनेत्री ध्वनि गौरी को भी पायल के किरदार के लिए चुना गया था, पर ध्वनि गौरी ने अपने बिजी शेड्यूल की वजह से मेकर्स के सामने सीरियल में काम करने के लिए नखरे दिखाने लगी और मेकर्स को इनके नखरे से पता चल गया, जिसके चलते मेकर्स ने इन्हें डायरेक्ट सीरियल से बाहर का रास्ता दिखा दिया। वेल दोस्तों, इन अभिनेत्रियों में से सुहागन सीरियल में पायल के रोल के लिए कौन सी अभिनेत्री बेस्ट थी, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी तरह की तमाम वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।